दफा मुझे डर नहीं लगता। छोड़ दे जा। कौन कौन अमीर लग रहा है बताओ? तुम अमीर लग रही है भी अमीर। और ये गरीब लग रही है। क्या कितना टाइम बाद जा रही हूँ तो मामा से मिलना? एक साल हो? डेढ़ साल। सच में? हाँ सच में डेढ़ साल बाद जा रही हूँ। मामा ने गलत बोलिया, 1.5 लाख का फोन देख कर लो। मामू के मासी जानते कि जलाएगा, देख के जलाएगा ये जलाई एक ही बारी में। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी से काफ़ी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स आम दिन में सबका स्वागत है। सो वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग सायमा की दुनिया। तो अभी हो चुकी है मैं रेडी, टाइम हो रहा है, मुड़ गई थी आज 8:30 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे जाना आज एक बुकिंग है मेरी, तो मुझे वहीं के लिए निकलना है। जल्दी जल्दी नाश्ता कर लिया थोड़ा बहुत जितना भी जो करना था, अब निकलती हूँ भैया। ठीक है मैं, चलो अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाय, मिलते शाम में। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पर, यहाँ पर मिल गई है मुझे आलिया और इल्मा मिल गई है। तो यहाँ से कर रहे हैं अपनी मेट्रो, फिर आगे का सफ़र करते हैं इन दोनों के साथ। फिर यार मेट्रो स्टेशन हम आ गए हैं, यहाँ से कर रहे हैं हम आएगा, फिर हमें आगे लेकर जाएगा जहाँ हमें जाना है फिर लोकेशन पर। और थोड़ी देर रुकी वेट करते करते पूछ लिया, फ्रस्ट्रेटेड भूख लग रही है मुझे, उसके जाओ मेरे लिए कुछ लेकर आओ खाने के लिए, दोनों के दोनों जाओ। हाइट में तो बड़ी हूँ वैसे, तो छोड़ दी तुझे। क्या बोला तूने? बताओ कैसे बोल रही, दिए थे मुझे तूने पैसे? ऑलरेडी लाओ। थैंक यू सो मच। खाली दे दे पेन ले ले, तेरे ऑफिस में काम आएगा। तुम तो कुछ करो अपनी जिंदगी में। मैं तो बहुत पेन खरीद लिए, उड़ा दिए पेन। अरे पर मुझे पेन की जरूरत नहीं है। इसके पास जाते तो उसके पास किसके पास? हमारे पास तो कुछ नहीं। कुछ है ही नहीं। कौन कौन अमीर लग रहा है बताओ? तुम अमीर लग रही है भी अमीर। और ये गरीब लग रही है। तो ये है मेट्रो का लास्ट स्टेशन और यहाँ से हम करेंगे एग्जिट, आ गए अपनी मंजिल पर। तो फ्रेंड्स अपनी लोकेशन पर हम आ गए हैं जहाँ पर हमारी बुकिंग थी। तो यहाँ की देख सकते हैं सोसाइटी कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर थी हमारी मेहंदी की बुकिंग, तो यहाँ पर मेहंदी लगा लगा थी, मैं थक गई थी ना काफ़ी, 2-3 घंटे बाद में आई थी ब्रेक लेने के लिए। यहाँ से मैंने अपने लिए कुछ सामान लिया था। चलिए हमने छोटा सा ब्रेक, एक घंटे हो गए, हम 8:30 बजे 11 बजे की निकली हूँ घर से और थोड़ा खाने पीने के लिए लिया है मैंने यहाँ से, और व्यू देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी बुकिंग वगैरह जो काम था डन हो गया, तो यहाँ पर टाइम देख सकते हैं कितना लेट हो गया हमें। तो हम ऑर्डर करते हैं यहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डर, लेकिन पिज़्ज़ा आया नहीं था। फिर हमने वेफर्स वगैरह कुछ ऑर्डर करी थी ब्लिंकिट्स से, और फिर मामा आ गए थे हमें लेने के लिए। फिर हम मामा के साथ गए थे नानी के घर पर सब। The next morning. तो फ्रेंड्स सुबह नाश्ता आ गया और देखा तो हम यहाँ पर अम्मी और खाला भी बैठी है सुबह ही सुबह आकर, क्योंकि हम कपड़े लाए नहीं थे, एक ही जोड़ी कपड़े थे, अम्मी सुबह सुबह आ गई इसलिए आ गए ना तुम्हारे कपड़े के लिए 100 पहन कर आए हैं। कपड़े चेंज कर दिए सुबह सुबह लेकर आ गए ताकि कोई दिक्कत ना हो, उठते ही कपड़े मिल जाए इनको, आँख खुलते हैं तो कपड़े मिल गए। देखो कितना ख्याल रखते, तुम भी तो हमारा ख्याल रखे करो। कितना रखे? 8:30 बजे से तो आ रहे हैं तो 5 गेट पे तो 8:30 बजे से ही तो फ्रेंड्स खाना हमारा आ गया है दोपहर का, मामी ने बनाया आज खाने में चिकन बिरयानी और सब बैठ चुके हैं दस्तरखान पर। हो गया सब तो स्टार्ट करते हैं अपना खाना, बिस्मिल्लाह करके मिलते हैं थोड़ी देर में खाना। फ्रेंड्स खाना खाना हमने खा लिया है, अब हम जा रहे हैं नीचे छोटे वाले मामा के पास। मामा नहीं है क्या? छोटे मामा नहीं, बड़े मामा। बड़े मामा आया तो नीचे जा रहे हैं ना अभी, हम अभी माथुरी जा रहे हैं। अरे तैयार हो रहे बड़े तैमूर कोट पैंट पहन के 3 पीस, कहाँ जा रहे हैं तैमूर? हैं हम है? नहीं जाना, नहीं जा रहे। चल हमारे साथ चल।
तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं बड़े मामा के घर पर, वहीं से निकल जाएंगे हम घर पे। नानी तुम भी चल रही हो? नानी कपड़े रख लेना, ठीक है चलना, पान वान रख लो अपने, और यहाँ पर खाला भी हो गई अपने बैग वगैरह आती खड़ो लेकर। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं। यहाँ से कर लिया है हमने बैटरी रक्षा मामा के घर जाने के लिए, बस थोड़ी सी दूर है फिर हम पहुँच जाएंगे मामा के घर पर। और खाला कितना टाइम बाद जा रही हो तो मामा से मिलना? एक साल बाद। एक साल? सच में? हाँ, सच में डेढ़ साल बाद जा रही हो। तो हम तो जाते रहते थे लेकिन थोड़ा कुछ महीने बाद हम जा रहे थे गैप देकर। बकरी तो जब पहली बार घर लिया था तब गए बस वो पकाई बाकी आज मिल लेना। तो फ्रेंड बैटरी रक्षा से हम उतर रहे हैं, अब चलते हैं अंदर। ये देना आ रहे पूरे बैग वैग लेके तैयारी से। ये देखो आ गई इतनी शक्ल में। अस्सलाम वालेकुम। ओहो ये क्या एक्सचेंज कर लिया मामी दीवार में। ये देखो मामी के घर में, मामी की दीवार में घर में चेंज मिल गया, देखो पेंट कर रखा है। आतिफ रहना है मैं सोची वाला गैलेक्सी वाला नहीं है वाला फोन लग रहा था मामा में, वो कर रहे प्रैंक। ये प्रैंक हो गया पीछे से है आईफोन खोलेंगे ना, खोल के दिखाओ मामा। ये देखो खोलने वाले कीपैड वाला, ये कार रह गई क्या हमने चल रही है देखो। अरे बाद में देख रहे नक्शे मां खाला मामा ने गलत बोल लिया। 1.5 लाख का फोन देख कर लो, 1.5 लाख का आईफोन ले रखा है। चलो जी पानी पी। तो नाश्ता हमारा आ गया है, ये है हमारा शाम का नाश्ता है ये। तो चाय मामी ने लगा दी, चाय बिस्किट नमकीन, और यहाँ पर कर रहे हैं सब नाश्ता। तो चलिए जी फ्रेंड नाश्ता करते हैं अपना, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद। और ये कब कौन से आ गई है? ये कब आए? बाहर से मंगाई वाले होटल से मंगाई है चाय। ये स्पेशल चाय नगोरी टी। तो स्टार्ट करते हैं नाश्ता, मिलता है थोड़ी देर में नाश्ता करके। तो फ्रेंड्स अभी अमरीन और मैं जा रहे हैं दीपू भाभी के पार्लर जा रहे हैं, हम्मू को लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ हम्मू को लेने के लिए जा रहे हैं हम। तो चलते, मैं तो वैसे गई नहीं दीपू भाभी के पार्लर, तो अमरीन आज लेके जा रही है मेरे घर। सब चलते हैं फिर, हमें घर भी निकलना है यहाँ से जल्दी से। तो यहाँ पर है हमारे दीपू भाभी के पार्लर में, लेकिन वो तो है नहीं, गई भी किसी काम से। ये आ गई मैडम, छोटी मैडम। तो यहाँ से ले रही है दिक्कू भाभी हमारे लिए जी। दिक्कू भाभी आ गई थी तो आगे सोचा कि बाहर ले आते हैं जूस पिलाने के लिए, तो हमें लिया यहाँ पर जूस पिलाने के लिए। तो यहाँ पर देखो बच्ची तो हैंडल मार रही है अपने, ये ढोल बजा रही है ताकि दरक्ष भाभी दो इतने बड़े बड़े ओरियो शेक बनवा लिए, मैं अनार का जैसा खून बनाना है अपना। इतना बड़ा पिया भी नहीं जाएगा तो बड़े बड़े ले लिए उन्होंने। मेरा तो फिनिश हो गया इसलिए मैंने नहीं लिया था बड़ा वाला शेक, मुझे दे दिए। दीपू भाभी से बोला था कि कम वाले ना, उन्होंने बड़ा फुल ग्लास ले लिया। अब मैंने इसलिए अनार का लिया था तो जल्दी फिनिश हो जाए, और मेरे इस पे पेट भर जाता तो सेहत ना रहती ना इसलिए। ट्राई कर ले ले।
तो पारा से हम निकल गए हैं और हमने कर लिया है रक्षा, हमारे साथ जा रहा है हम्मू भी जा रहा है ना। हम्मू क्या ले रखा है हाथ में तुमने? बम लेके जा रहा है ये। तो चलिए चलते हैं मामा के घर ही चलते, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम कहाँ पे? घर आ गए हैं। अब चलना है पांच मंदिरों पर चलना है। पांच मंदिर जब उतरते हैं ना तो तब पता नहीं चलता, और जब चढ़ते हैं ना तो हालत डाउन हो जाती है। जूस पहले या जूस तक जूस जूस हर चल चलिए जूस हम हो जाएगा सारा। चलते हैं अंदर। एक ही बारी में हो है। और नीचे मत फेंकना। भागो 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 इधर आओ इधर आओ। छत पे चलो छत पे नहीं जोड़ लो नहीं यही कर लो यही पे। कैसे लगा लिया? अरे बड़ा खतरनाक बच्चा है ये। ये जगह था हो ये कितना एक्सपीरियंस है इस बच्चे को। अरे बुआ को पकड़ क्या कर रहा है क्या कर रहा है? डर नहीं लगता? इसके ऊपर छोड़ दे भाई जरा उठा के। यार देखो मुझे डर नहीं लगता, छोड़ दे जा। चूजे का ही दम निकाल दिया उन्होंने तो तो फ्रेंड्स खाना हमारा आ गया। एक मामी ने बनाई आज बिरयानी, हमने छोटी मामी ने भी हमारी बिरयानी बनाई थी और बड़ी मामी ने भी आज बिरयानी ही बना रही थी, तो दोनों टाइम आज हमने बिरयानी ही खाई है। तो बैठ चुके हैं सब दस्तरखान पर, स्टार्ट करते हैं अपना खाना बिस्मिल्लाह करके। तो मामी क्या बना रही है यहाँ पर? खीर बना रही। किस खुशी में? हम तो खुशी देते हो। तो यहाँ पर मामी ने बनाई है खीर बनाई है। बिरयानी सब ने खा लिया, मामी कर रही है खाने के बाद सुनने ज्यादा खीर खिलाएंगे अब हमें। अमृत ने बनाई? कितने बनाई है? मैंने बनाई है। तो मैं आती हूँ बनाने, मैं तुमने किचन में देखा ही नहीं था, तुम अंदर बैठी हो, मैं बात ही बातें कर रही हो। मीठा सुनना दादा, मामी ने बनाई है खीर। चलो वही कर लो। बेटा क्या कह रहे हो? हम वो बता बक्के बक्के में ले लूंगा। क्या बोल दे तेरा खचरे तो हमारे यहाँ बोलते दारू बाज गांजा बाज जुए बाज। A few moments later. तो फ्रेंड खाना खाना हमने खा लिए हैं, अब निकल रहे हैं हम यहाँ से घर के लिए। तो चले हाँ चले करने। वैसे हम आते हैं रुक के जाते हैं, लेकिन आम ना खाना ही तो उसमें जल्दी जाना पड़ रहा है। आऊंगी कपड़े वगैरह लेके तब आऊंगी। कब आऊंगी तुम? आ जाऊंगी बाद में आऊंगी, फिर मामा को लेने जा रही मीना के साथ। चलो चलो हम मु जा रहे हैं हम बाय। मैं भी चलूं। मैं आप नहीं जा रहे अब मां? हां हम बाद में आएंगे, बाद में आएंगे, बाद में फिर जब चलेंगे घूमने के लिए यहां से, है ना? नहीं बाय बाय अभी नहीं, बाद में आएंगे। बाय बाय घूमने जाएंगे तो आएंगे हम। मु बाय पैसे पैसे बाय बाय कर दो। कह रहे पैसे दो तो बाय बाय। पैसे दो अगर मुझे लेके नहीं जा रहे हो तो पैसे दो। पैसे अलग ले कह रहे पैसे दो ले लेते पर्स में से। सलाम तो कर ले गले लगो अब गले तो मेरे मेरे गले लगो। पैसे दो मुझे भी तो मैं जा रही हूँ। नीचे देखो देखो फ्रेंड कितना ट्रैफिक हो रहा है, नीचे की साइड जाम लग गया यहाँ पर। चलो निकलते हैं घर के लिए, पापा भी निकल आने वाले होंगे। अगर हम पहुँचेंगे ना तो पापा आ जाएंगे तब तक। अच्छा हाँ तो संडे तो भूल ही गई थी, आज संडे पापा घर पर ही होंगे आज तो। खाना बनाओगे? पापा ने खा लिया होगा है
हेलो। वैसे हम जब भी आते हैं मामा के घर हम वैसे रुक के जाते हैं, लेकिन इस बार रुक के नहीं जा रहे क्योंकि खाला आई थी, खालों को जाना था हैंड ओवर, अभी बाद में आएंगे तो रुक के जाएंगे मामा के घर इंशाल्लाह। तो ये अभी तक मेला लगा हुआ, हमारे साइड से सारे मेले हट गए और अभी तक लगा हुआ है। वो कितना प्यारा व्यू लग रहा है सामने, और यहाँ से कर लिया है हमने रक्षा। और मौसम भी कितना अच्छा हो गया, ठंडी हवा चलने लगी, रात को सुबह तक इतनी धूप रहती है और शाम का मौसम इतना ठंडा हो जाता है बिल्कुल। कैसा हो रहा है मौसम? हवा सही लग रही है, ठंडी हवा चल रही है। तो फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, अपनी बस का वेट स्टैंड पर, अभी बस खड़ी हुई है, आगे खड़ी हुई है, लेकिन उनको चलने में थोड़ा टाइम लगेगा। बस भी अपने टाइम से चलती है, हम पहले ही खड़े जाते हैं ना तो जाएंगे नहीं, ऐसे अपना टाइम नहीं होगा तब तक चलेंगे नहीं बस भी, यहाँ पर उनकी खड़ी रहेंगे। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और बाकी खाला की फैमिली यहाँ बैठी है और हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं। तो बस भी सेफ है, मतलब वो नहीं, रात भी जा सकते हैं ना। बस तो अगर चलती रहती 10 बजे तक, 10:30 पर चलती थी, हम थोड़ा चलती है, अब आती है बस भी चलते हैं घर पर। तो बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है ना, बहुत ज़्यादा, उसके बाद हम भैया के आराम करेंगे और रेस्ट करेंगे। अभी रोक रहे थे, मामा बोल रहे थे कल चले जाइए, हम जब भी आते रुके जाते ना, मामा ही बोल रहे थे इंशाल्लाह जब आएंगे ना आपको सही सही कपड़े लेकर, वैसे ही नए छोटे कपड़े लेकर आए थे, हम भी लेकर आई थी मेरा अगले दिन। अभी दोबारा से कपड़े कहाँ से मंगाते थे, तो जब अपने कपड़े हो तो फिर लगता है रुकना, तो कपड़े वपड़े लेकर आएंगे तब रुकेंगे मामा ही। तो फ्रेंड्स करवा चौथ का चांद दिख गया है सामने, देख सकते हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है सामने, ये देखो आज अलग ही कलर निकला है चांद का भी, ये देखो कितना खूबसूरत, देख लो अम्मी। हाँ। अम्मी डर गई देखो खतरनाक कुत्ते से। ये काला कुत्ता आ जाएगा, अम्मी देख लो चांद निकल गया, जल्दी चलो चांद आया। तो फ्रेंड बस में हम बैठ गए हैं और पूरी बस हमारी खाली है, देखो वहाँ पे बैठे खाला आलिया माती वगैरह से बैठे हैं, यहाँ पर हम घर में बैठे हैं आराम से, सेफ भी जाते हैं एक ही आराम से। तो यहाँ से बस से हम उतर गए हैं और खाली यहाँ से कर रही है अपने लिए रक्षा, और फिर हम करेंगे खाली यहाँ से पर्सनल रक्षा। बाय, इनको मोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने भी रक्षा कर लिया है, खाला भी निकल रही है रक्षा करके, अब हम भी जा रहे हैं अपने घर और टाइमिंग हो रहा है 9:30 बजे, आराम से अपने घर पहुंच गए हम सही सलामत। तो चलते हैं घर पर और हम देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है। आज है करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है लोगों ने, तो मून से मून भी तो मतलब ब्राइट कलर का निकला है, चांद भी मतलब ब्राइट कलर का निकला है आज। The next morning. तो फ्रेंड्स सुबह का नाश्ता हमारा ये नाश्ते में है कचौरी सब्जी फैन पापे, और स्टार्ट करते हैं अपना नाश्ता सुबह का। 5 hours later. So hello friend, assalam alaikum. आपने कल देखा होगा ब्लॉग में हम गए थे नानी के घर पे, तो कल वहाँ पे मेरी बुकिंग थी, नानी के घर से थोड़ा पास पड़ता था इसलिए मैं नानी के घर भी रुकी थी 2 दिन तक, तो कज़न के साथ गई थी, हमको लेकर गए थे हम बुकिंग्स पर, और फिर हम आ गए थे वहाँ से घर पर आ गए थे। तो नेक्स्ट डे लग गए और मॉर्निंग का तो हमको ज़्यादा शूट कर नहीं पाई क्योंकि थोड़ा बिजी थी आज भी, मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल था मेरा। तो अभी मैंने एक पार्सल ऑर्डर करा था, वो मेरा पार्सल आ गया है, इसमें क्या है बताऊँगी गैस को तेरा ही काम का होगा शायद, मैंने बता दिया तुम्हें, रहने दो इसे अनबॉक्स करते हैं अपने पार्सल को। लव सीधा वगैरह लव नहीं, पैकिंग दो कितनी मजबूत तरीके से कर रखी, कितनी हार्ड कर रखी पैकिंग भी ताकि टूटे ना सामान, पैसों का है 2 पैसे का, बहुत मजबूत कर रखी है पैकिंग। ये मैंने मंगाया था मीशो से मंगाया था मैंने ये पार्सल अपना, तो इसको करते हैं अनबॉक्स करते हैं। अम्मी जल्दी से सीजर ले आओ, लाओ नोटो की कड्डी निकल जाए इसमें गलती से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर मीशो वाले, लेकिन काम करेंगे आई, बड़ा हार्ड पैकिंग है तेरा हाथ वाला, थार देती उसको मैं, बाय चांस रिटर्न करना पड़ी तो मैंने तो गत्ते ही फाड़ दिया, जोड़ दूंगी मैं टेप वाला।
ये रहा मेरा पार्सल क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल की बुकिंग्स वगैरह बचाना पड़ता है, तो मुझे पिनों का ना मेरा बिल्कुल भी बॉक्स नहीं है, तो ये मैंने मंगाया था अपने हेयर स्टाइल के लिए ताकि इसमें आराम से मैं पिन वगैरह रख सकूं। और ज़्यादा मैसी हो जाता है ना थोड़ा मेरा सामान वगैरह, अल्लाह खुल नहीं रहा, मैं खोलना ये खुल गया, तो ऐसे बॉक्सेस वगैरह एडजस्ट करने के, ये रहे ये एडजस्ट कर सकता है अभी करके, ये ऐसे करके लाइक दिस बहुत प्यारा है ये। ये मुझे पड़ा है इस टूटा पता नहीं है ये सही है सही है। ये मुझे पड़ा है, अगर आपको इसकी रेट कन्फर्म करें तो मुझे डीएम करना तभी बताऊंगी, ऐसा नहीं बताऊंगी मैं डीएम करके। यहाँ मिलने तो कहाँ मिलता नहीं मिल रहा था मुझे यहाँ पर, तो कहते सदर से मिलेगा ये ऑनलाइन मंगा, सदर में किराया लगा के जाओ फिर आओ तो वही रेट पड़ जाता है, इसलिए मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिया था। ये 4-5 दिन बाद आया मेरा पार्सल, तो उसमें सारा सेट ये 150 का 150 का है, कोई बात पापा पूछते मैंने बता दिया 150 रुपीज़ का। ये बहुत सारे ये छोटे ड्रेस के वो मिले बॉक्सेस को एडजस्ट करने के लिए, इधर कुछ सामान रख ले इधर कुछ, हाँ बड़ा करना तो इधर रख लेने करके एडजस्ट, तुम एडजस्ट कर देना तो मैं जिम्मेदारी दे दूँ मैं, ये लो ये सही है ना, तो मेरा मैसी पर तो मम्मी से कराती हूँ, तो अभी मम्मी लेंगे चाय बना के, खाना शाना सबने खा लिया है, चाय लिया और चाय पीते हैं, ठंडी हो गई पार्सल भी इतना लेट आया है ना मेरा, मेरे को लगा फैमिली से नहीं पूछा चाय के लिए, आप भी पी लो पार्सल भी इतना लेट आया, सर का टाइम हो रहा है 10 बजे पार्सल आया, इतना लेट भी डिलीवरी आती है, 10 बजे पार्सल आया, बहुत जरूरत है, मैं बहुत ज्यादा सोच रही थी, तो मैंने एक दिन बैठे बैठे खाली बैठे बैठे सोच लिया, हमने चंग वो खजूर का डब्बा नहीं आता, अम्मी ने उसमें रखा था मेरा सामान, मैंने कहीं लेके जाऊंगी तो शर्म सी आई लेके जाने में, खजूर के मैंने खा लिए थे तो उनको किसी में कोई पिन किसी में कुछ सारे खजूर के डब्बों में रख दिया। आज मैंने अपने बालों को कर्ल्स भी कर दो तो अच्छा लुक आ रहा है ना, ये कर्ल्स करने के बाद लुक ही चेंज होता है हेयर स्टाइल का, ये तो अच्छा लग रहा था ये, तो चाय शाय पीते हैं और मेरा ब्लॉग को एंड करते हैं इसी के साथ, तो इसी के साथ करते हैं हम इस वाले ब्लॉग का यही पीरियड, उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आएगा ब्लॉग, पसंद तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब, हाँ मुझे कमेंट कर लेते हैं, हाँ मुझे कमेंट्स के रिप्लाई करने, तो मेरा फ़ोन लगा दूसरा वाला तो मुझे पढ़ पढ़ करके बता दी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ गए मेरे पास जिसका मैं कभी भी मतलब काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, मैं रिप्लाई बिल्कुल भी दे पाई, कम से कम एक हफ्ता हो गया, तो कमेंट्स का रिप्लाई भी कर देते हैं चलो, क्योंकि हमेशा जब भी मैं एंड करती हूँ ना कमेंट्स का रिप्लाई करना भूल जाती हूँ बिल्कुल भी, तो मैं अपने ब्लॉग में ही रिप्लाई करती हूँ, मैं से पर्सनली रिप्लाई नहीं करती, ब्लॉग के सामने सबका रिप्लाई करती हूँ, फोन ला कमेंट स्टार्ट करते हैं हम अपने, ये मेरा पहले वाला फ़ोन ही टूट गया था पूरा, दो हालत कैसी हो रही है इसकी, लेकिन फिर भी चल रहा है काम चल रहा है, बनाया था सर फर्स्ट नहीं यूट्यूब चैनल मैंने शायद इसमें बनाया था, हाँ यूट्यूब चैनल मेरा इसी से बना था, जो मेरा यूट्यूब स्टार्ट करता था ना इसी फ़ोन से मैंने स्टार्ट करता है, संभाल कर रखा है इसको बेचूंगी नहीं मैं, तो स्टार्ट करते हैं अपने कमेंट, फर्स्ट कमेंट है आलिया के का अमेजिंग ऑन माय फेवरेट, थैंक यू सो मच आलिया, और है द यूनिक वर्ल्ड्स का है, चलो यार कोई बात नहीं अब मिरर ले आओ मैं फिक्स कर दूंगा वॉल में, मुझे बुला लेना मेरा तो यही वर्क है, काम भी सब तुम्हारे एरिया का है, ओके अगर मैं मिरर लाऊंगी तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगी, वैसे व्लॉग में पता चल जाएगा मेरा मिरर आएगा तो आप कमेंट कर देना कि मुझे लाने बुला लो, और है ओहो टूट गया वो जो दिखता है सच्चाई आप जो दिखाता है सच्चाई आप, वो बहुत ही बढ़िया वाला धोखा हुआ यार, हंसी नहीं रुक रही, पापा चेंज कर रहे हैं काम से वो तो हाइट कर देते, पापा कपड़े चेंज कर देते, जब प्रैंक कर रहा था ना तो पापा कपड़े चेंज करते, मैंने हाइट ही कर दिया था थोड़ा सा ही दिख रहा था वो, और रहमत रजा माशाल्लाह थैंक यू सो मच, जोया मजीद ऑसम सिस्टर थैंक यू जोया, और है दूसरा कमेंट है फेस ब्लॉग का नाइस वीडियो थैंक यू फेस, और है शाहरुख रिहान का अल्लाह आपको बहुत सक्सेसफुल बनाए आमीन सो मच थैंक यू सो मच शाहरुख, और है अलीशा अली का कमेंट है, और दूसरा कमेंट है आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, हाँ मैंने ब्यूटिशियन का भी कोर्स कर रखा है, मैंने मेकअप आर्टिस्ट का भी कोर्स कर रखा है, मैंने हेयरड्यू का कोर्स भी कर रखा है, और कौन सा कर रखा है हाँ मैंने सारे कोर्स कर रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, और रूहान अहमद का है सच बताओ सायमा किसने तोड़ा तुम्हारा शीशा, और दूसरा कमेंट है अयान सेफी का बहुत अच्छा ब्लॉग है थैंक यू सो मच अयान, और
और ये और वे आर यू फ्रॉम शाहरुख रिहान आई एम फ्रॉम दिल्ली में बहुत बार बता दिया आप बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो शुक्रिया और ये कमेंट्स हमारा सना हाशमी का पीछे देखो पीछे जो अम्मी और मैं वीडियो बना रहे थे ना वहाँ पे बोर्ड लगा था शौचालय का तो वहाँ पे कह रहे पीछे देखो पीछे देखा नहीं था मैंने भी इतना नोट नहीं करा था वो क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो रही थी और तलहा चौधरी का है आपकी कज़न सिस्टर का यूट्यूब चैनल है आप ही नहीं मेरी कज़न जितनी भी कज़न सिस्टर है ना मेरी उनका कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है वो मेरे साथ ही बनाती हैं वीडियोस और दूसरा है कमेंट्स हमारा व्लॉगर अमेजिंग व्लॉग बिग फैन थैंक यू सो मच और है आमिर खान का आंटी शौचालय में से आई हो और वीडियो बना रही हो पीछे शौचालय का बोर्ड लगा है वो हमने नोट नहीं हम शौचालय नहीं गए थे हाँ हम शौचालय नहीं गए थे हमें बोर्ड लगा था कि उधर की साइड शौचालय है तो हम शौचालय नहीं गए थे वो गए थे वहाँ वो लगा था ना क्रॉस लगा था कि शौचालय आगे चेक भी नहीं करा बाद में हमने नोट नहीं करा था वीडियो वगैरह बन गया तो हमने बाद में देखा वीडियो अपलोड करने के बाद ही आपके कमेंट आया तब हमने नोट करा जब देखा था अफरोज जहाँ का पावर पाउडर और फाउंडेशन के अलावा और कुछ भी लगा लेती बहन मेरे जो मामी का मेकअप था तो वो मेरा मेकअप नहीं था वो मेरी कज़न का ही मेकअप था थोड़ा बहुत तो उसी के मतलब मेकअप से ही मैंने करा था मेरा जो मेकअप है अलग प्रोफेशनल मेकअप है उससे मैंने करा था जो मेरा मेकअप था उसी से मैंने काम कर दिया था वो तो इतना प्रोफेशनल नहीं था वो तो नेवर माइंड मेरा ऐसा काम नहीं अगर आप देखना चाहते हो मेरा वर्क तो मेरा पेज पर देख सकते हो आप और काफ़ी और कमेंट है तो अभी बहुत सारा बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा इतने ही कमेंट भी ये कर रहे थे तो इसी के साथ करती हूँ मैं इस वाले ब्लॉग का यही परिणाम मिलते थे सबको पता पसंद आया होगा और तो जो ऐसे ही करते रहे जाते से ज़्यादा आपने कमेंट करी और आपके कमेंट अच्छा लगा ये हर बार ना पढ़ के आपको एक दो दिन में बता दिया करूँगी हर ब्लॉग में मैं और आपके जितने भी कमेंट आते हैं मैं ज़रूर सबको क्या अम्मी को बताती हूँ सारे कमेंट पढ़ती हूँ आपके तो जो भी आपका क्वेश्चन है ना कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं मुझे उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ जल्दी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय टेक केयर लव यू।